बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों सुबह का टाइम है और अभी मैं मिनी ज़ू पर आया हूँ ये इनके लिए नाश्ता लेकर। तो अभी जैसे ही मैं आया हूँ इन्होंने मेरा घिराव कर लिया है। अभी भी ये देखें जो है ना वो नाश्ते पर अटैक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सुबह का नाश्ता देता हूँ इनके बर्तन के अंदर। तो हम इनको नाश्ते के अंदर गीली रोटियां देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्हें कोई वैक्सीन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे चूजे बहुत ही तंदुरुस्त और तेज़ी के साथ बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम इनकी गीली रोटियों के अंदर एक मल्टी विटामिन सेमोसिट्रस डाल देते हैं जिसका बहुत फ़ायदा होता है इन्हें। दोस्तों आप तो सबसे पहले ये चेक करें हमारे बर्ड सुबह का नाश्ता करते हुए कैसे ये मिलजुल कर खाते पीते हैं। यहाँ पर आपको तीनों रैबिट्स हमारे गगलू बबलू और डब्लू देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ और साथ में चिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है और वो है हमारे पिजन की। अभी हमारे पिजन्स खुले नहीं हैं, वो पिजन्स अभी बंद हैं अपने केज के अंदर, जिसकी वजह से वो इधर नहीं आए, नहीं तो वो भी आ जाने थे। तो इनको हम नाश्ता जो है ना इनके केज के अंदर देते हैं। जब यहाँ एक केज के अंदर हमने छुपा के दाना रखा हुआ है अपने पिजन के लिए, उसकी वजह ये है कि अगर ये हम सामने रखते हैं तो ये मुर्गियां और कलरफुल चिक्स इसे खा जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह सवेरे हमें एक अंडा देखने को मिल रहा है, लगता है हमारी गंजी मुर्गी ने आज सुबह सुबह ये अंडा दे दिया है। तो अभी हम अंडा नहीं उठाते, अभी ये अंडा पड़ा है, थोड़ी देर बाद हम ये अंडा उठा लेंगे। पहले हम अपने पिजन्स को नाश्ते के लिए दाना देते हैं। तो ये दाना है हमारा पिजन का, ये भी आ गए हैं। जैसे दाना निकाला है तो ये आ गए हैं। अभी हमारे पिजन ने दाना खाना स्टार्ट कर दिया है और अभी हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम इनका दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे तो ये चिक्स और मुर्गियां अंदर जाकर इनका दाना वगैरह खा जाएंगी। और ये चारा लेकर आया हूँ मैं अपने रैबिट्स के लिए, ये देखें ये चारा खा रहे हैं। अभी इन्होंने सुबह का नाश्ता अपनी फैमिलीज़ के साथ किया है, ये सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। और सुबह का नाश्ता करने के बाद अब ये चारा मैं इन्हें दे रहा हूँ। अब ये चारा वगैरह खा के अच्छे से अपने अंदर चले जाएंगे अपने घर के अंदर, और इसके भी बच्चे हैं और इसके भी बच्चे हैं इसके बच्चे। ये हमारी गंजी मुर्गी नाश्ता चारा सारा कोई ख़राब कर देती है। अभी यहाँ पर इसने ये जो है ना इनका चारा ख़राब करना शुरू कर दिया। तो चलो भाग जाओ, अभी तुमने नाश्ता कर लिया है। तो हमारे सभी पिजन ने दाना खा लिया है, अब हम इन्हें सब को निकाल देते हैं बाहर। दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ, अभी दाना पड़ा है लेकिन अब क्योंकि दरवाज़ा खोल दिया है तो इस वजह से जो है ना ये चिक्स ने सारा दाना खा जाना है। तो ये हमारे कबूतरी के बच्चे आप चेक करें बहुत बड़े हो गए हैं, अभी थोड़े ही दिनों में ये उड़ान भरेंगे। तो इनका दरवाज़ा खुला छोड़ते हैं और आज मैं अपने मिनी ज़ू के अंदर निकालने लगा हूँ अपने ऑस्ट्रेलियन पैरेट को। इनको आज मैं अपने मिनी ज़ू के अंदर खुला छोड़ूँगा। तो यहाँ से ये हम मटकी उतार लेते हैं और यहाँ से इनका खुला हो जाएगा दरवाज़ा। अब यहाँ से ये अंदर बाहर आते जाते रहेंगे। दरवाज़ा भी इनका खोल दिया है और ये एक बाहर चला गया है हमारा ऑस्ट्रेलियन पैरेट, एक चला गया है वो बाहर उड़ रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये एक अपने जो है ना केज से निकल कर बाहर आ गया है तो उड़ रहा है, ये चेक करेंगे। बिल्कुल अभी उधर चला गया है, वहाँ केज के ऊपर आके बैठा है। तो बाकी भी इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में बाहर निकल आते हैं उसे देखकर। अब हम उठाते हैं अपनी मुर्गियों के अंडे के, हमारी मुर्गियों ने आज कितने अंडे दिए हैं। सुबह तो हमें एक अंडा देखने को मिला था, अब हम आए हैं तो अब चेक करते हैं। माशाल्लाह आज हमारी तीनों मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। ये अंडा सबसे छोटा है तो इसका मतलब है ये अंडा हमारी रेड मुर्गी ने दिया है, क्योंकि उसने आज पहला अंडा दिया है इस वजह से ये अंडा छोटा है। बाकी अंडे थोड़े साइज़ में बड़े हैं, तो क्योंकि गंजी मुर्गी और वाइट मुर्गी ने दो दो अंडे दे लिए हैं पहले, तो इस वजह से उनके अंडे का साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो आज फाइनली हमारी तीनों मुर्गियों ने अंडे दे दिए हैं।